वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन लैब कैसे हैं आप सब गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग एवरी वन हेलो समी सिंग आई एम रेडी विद किरण बुक प्लीज टेल द पेज नंबर भैया अगर हमें पेज नंबर ही से पढ़ाना होता तो आपको बोलना रहते कि इस पेज नंबर का यह क्वेश्चन आप कर लो यहां हमारी किरण की जो सीरीज स्टार्ट हुई है गाइज मेरे संग वो है टॉप हंड्रेड क्वेश्चन की किरण की बुक की सीरीज जो है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप हंड्रेड क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे टाइप्स कवर होंगे सारे टाइप्स के संग संग सारे लेवल के क्वेश्चन कवर होंगे वो हम देखेंगे अपने आज के सेशन में तो कैसे हैं जल्दी जल्दी एक बार बता दीजिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन बिना किसी भी डिले के साथ राम राम हेलो राधे राधे गुड मॉर्निंग सभी को एकदम ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर अगर हो गया हो तो बताएं फिर शुरू करें हम अपना आज का सेशन जिसमें हम देखेंगे कल मैंने क्या बताया था कि नंबर एनोलॉगी में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होती है और वर्ड एनोलॉगी में आपकी जीके और आपकी इंग्लिश दोनों ही टेस्ट होती है ठीक है दोनों ही टेस्ट होती है आपकी जीके एंड आपकी इंग्लिश तो ठीक है हिंदी वाले सर की क्लास कब से है आप टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए आपको आपको जब जब भी भी हिंदी की क्लास के, भी हिंदी की की क्लास क्लास के होगी उसके टाइमिंग्स क्लियरली पता चल जाएंगे चलिए क्लियर चलो तो गाइज आने लगे सभी कमेंट्स ऑडियो वीडियो सब एकदम बढ़िया से क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन वर्ड एनोलॉगी के टॉप हंड्रेड क्वेश्चन का पार्ट वन मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग जो की सीरीज होती है हमारी सुबह साढ़े बजे किरण इलेवन प्लस रीजनिंग के कंप्लीट सोल्यूशन की सीरीज चलिए चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है हमारे आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए और इसको जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए क्विकली कम ऑन बहुत आसान सा सवाल है बहुत आसान सवाल है जल्दी देखिए और आंसर करिए देखो यहां पे जो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ना आज ये जो क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं सबसे अच्छी चीज इन के बारे में पता है क्या होती है कि इसमें टाइम आपको नहीं लगना होता है या तो आपको आंसर आंसर पता है या तो आपको आंसर नहीं पता है ठीक है जल्दी से बताइए मैम वर्ड बताइएगी के कितने क्वेश्चन आते हैं एस में देखो यार कोई आ, फिक्स नहीं है कि वर्ड एनोलॉगी के दो आएंगे या फिर नंबर एनोलॉगी का एक आएगा ये पता है कि एनोलॉगी एज अ टॉपिक कम से कम तीन से चार क्वेश्चन आते ही आते हैं चलिए

तो उसी हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कैटर पिलर बड़ा होके क्या बनता है कैटर पिलर बड़ा होके बटरफ्लाई बनता है ठीक है कैटर पिलर बड़ा होके बटरफ्लाई बनता है ये ऑप्शन नंबर ए बटरफ्लाई विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब आप सभी की सहूलियत के लिए यहां पे मैंने क्या किया है कि जो बाकी के ऑप्शंस है ना उनका भी मैंने आप लोगों को लॉजिक या फिर उनका भी मैंने आप लोगों को बेसिकली uh, क्या इनके यंग वंस हैं या फिर इनके इनके जो ओल्डर वंस हैं उनको क्या कहते हैं ये सब बता रखा है नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड में में तो आप देख सकते हैं कैटरपिलर बड़ा होकर बनता है बटरफ्लाई जो बैट होता है चमगादड़ उसके बच्चे को कहते हैं पप्स ठीक है इन्फेंट यार इन्फेंट होता है उसका बबून एंड पिगलेट्स सॉरी ये है यंग वन एंड एडल्ट्स एंड पिगलेट्स का होता है आपका बोर ठीक है क्लियर हो गया क्लियर हो गया सभी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर करिए आपको बताना है एक ऐसा वर्ड पेर जिसमें सेम लॉजिक हो जो डिटेल्ड और मेटिकुलस में है डिटेल्ड और मेटिकुलस में जो लॉजिक है वही सेम लॉजिक कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है जल्दी से देखिए और जवाब दीजिए जल्दी से देखिए और जवाब दीजिए यार यहाँ पे क्या बोला गया है बोला क्या गया है यहाँ पे डिटेल्ड और मेटिकुलस अगर आप देखो पहली चीज तो बता दूं ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सी एच एस एल दो हजार उन्नीस तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है एग्जामिनर डिटेल्ड का मतलब क्या बहुत ही ज्यादा घुस के आपने किसी चीज की अगर पढ़ाई कर रखी कि किसी चीज के बारे में पता कर रखा है एकदम डिटेल में एकदम उसके बारे में अच्छे से एकदम बहुत ही विस्तृत बहुत ही विस्तार में आपने उसके बारे में पढ़ाई कर रखी डेट डिटेल्ड ठीक डि नॉलेज ऑफ समथिंग या फिर आप कह सकते हो डिटेल्ड प्रोसेस बहुत ही ज्यादा बड़ा सा विस्तार सा प्रोसेस है तो वो होता है आपका डिटेल फिर आता है आपका मेटिकुलस ठीक है सावधानी पूर्वक मतलब आप जब डिटेल में पढ़ते हो तो मतलब आप बहुत ही ज्यादा सावधान सावधान होके पढ़ रहे हो तो बेसिकली ये क्या है आपके ये सिनेम्स का पेयर है यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपके सिनेम्स का पेयर है और अगर सिनेम्स का पेयर यहाँ गिवन है तो आपका आंसर में भी सिनेम्स का पेयर होना चाहिए ना आंसर में भी सिनेम का पेयर होना चाहिए तो आंसर में आपका सिनेम का पेयर हैवी और लाइट ये तो एंटेनिम है हंगरी और फुलफिल्ड भूखा और पेट जिसका भरा हुआ हो ठीक है ये एंटेनिम्स हो गए फैट एंड ओबीज मोटा और स्तूल मतलब वही होता है आपका फैट और ओबीज ओबीज थोड़ा सा अच्छा टर्म है मोटे को बुलाने के लिए ठीक है मतलब आप मोटा बोल दोगे किसी को तो उसको बुरा लगेगा आप बोलोगे ओबीज तो थोड़ा सा यू you नो know, थोड़ा सा काफी अच्छा टर्म है इट्स अ बेटर टर्म बेजती करने के लिए किसी की तो ओबिस और फैट मतलब दोनों का सेम ही है दोनों एक दूसरे के सिनेम्स हैं तो ऑप्शन नंबर सी फैट ओबीस हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फैट ओबीस हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर एंड लाउड एंड लूज इन दोनों का कोई भी आपस में मेल नहीं है ठीक है आप देख सकते हो सिनेम्स हमारे ये हैं

ठीक है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि बुक में नहीं मिलेगी इसी वजह से जो आपको टेलीग्राम पे जब ये पीडीएफ मिलेगा ना तो ये वाला जो पोर्शन है इसको जरूर अच्छे से एक बार देख चलो। question. अगले क्वेश्चन पर आते हैं देखिए पेन इज रिलेटेड टू एगनी इन द सेम वे एंग्री इज रिलेटेड टू वॉट दर्द का संबंध यातना से उसी तरह है जिस तरीके से गुस्से का गुस्से का किससे बताइए दर्द और एग्नि मतलब पेन एंड एग्नी यार मतलब तो कहीं ना कहीं सेम है ना बींग लेट मैम कोई बात नहीं आप लेट हो अभी से स्टार्ट कर दो जब जागो तब सवेरा ठीक है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में क्यों नहीं है भाई हिंदी में है तो हिंदी में है तो और क्या चाहिए बुक में हिंदी में नहीं बुक में आपको या तो इंग्लिश में मिलता है या तो हिंदी में मिलता है मेरे सेशन में आपको बाइल मिलता है पेन और वही बात है एंग्री एंग्री रिलेटेड टू नहीं Ecstasy तो परमानंद हो गया एकदम मतलब एकदम ही आनंद आनंद ही आनंद जैसे बोलता है ना कौन सा एड होता है मुझे याद नहीं एक्चुअली किसी एड में बोलता है आनंद ही आनंद आज आता है आपका अगर एंग्री क्या सिनेम की बात करो ठीक है तो क्या होता है फ्यूरियस ठीक है एंग्री मतलब फ्यूरियस बहुत ही ज्यादा कह सकते हो आप जिसका प्रकोप जैसे बोलता नहीं महादेव का प्रकोप महादेव वो फ्यूरियस एक्चुअली ठीक है बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे तो उसके लिए आप बोल सकते हो फ्यूरियस क्लियर चलो बी नहीं डी 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 सिने वाक्यों की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटेसी का आपका हो जाता है यूफोरिया जॉय इलेशन बिटरनेस का हार्श एसर्बिटी एंड शार्पनेस एंड ऑफ ग्रैंडियोसिटी मैग्निफिसेंट एंड ये हो गए आपके बाकी के वर्ड्स के ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जवाब दें जल्दी से सनफ्लावर इज रिलेटेड टू येलो इन द सेम वे ब्लड इज रिलेटेड टू वर्ड भैया 2019 का सवाल है पांच सेकेंड का सवाल जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए क्विकली कम ऑन फाइव फोर थ्री टू वन एंड जीरो टाइम्स अप यार सनफ्लावर है आपका सूरजमुखी का फूल है वो पीले रंग का होता है ब्लड जो है जो आपका खून है वो कौन से रंग का होता है रेड कलर का होता है ना रेड कलर का होता है खून तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके जिंजर स्टेम चिली वॉट जिंजर स्टेम चिली वॉट जल्दी से बताइए जिंजर स्टेम चिली वॉट क्वेश्चन ऑप्शन आई होप क्लियरली दिख रहा होगा बताइए चिली मिर्च क्विकली बहुत लोगों का गलत आंसर आता है इस पे बहुत लोगों का गलत आंसर आता है जल्दी से बताइए कमॉन सी आ रहा है रूट चलो एकदम गलत जवाब जिसका भी सी है रूट एकदम गलत जवाब भाई जिंजर है जिंजर होता है एक तरीके का स्टेम जिंजर मतलब जो अदरक है वो स्टेम होती है एक तरीके की और जो चिली है क्या है वो चिली क्या है जो मिर्च है एक तरीके का फल होता है अब ये मत कहिएगा, मैम फल तो मीठा होता है मिर्च तो कड़वी होती है मत कहिएगा, क्योंकि चिली इज क्लासिफाइड एज अ फ्रूट ठीक है मिर्च आपका एक तरीके का फल होता है इट इज नॉट अ वेजिटेबल इट इज नॉट अ वेजिटेबल ये मत सोचिए कि आपका सब्जियों में मिर्च पड़ता है तो वो आपका एक सब्जी ही हो गया नहीं चिली इज अ टाइप ऑफ फ्रूट एंड जिंजर इज अ टाइप ऑफ स्टेम ठीक है चिली इज अ फ्रूट पोटैटो भी स्टेम है सबसे बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है पोटैटो को लोग कहते हैं रूट पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टेम ठीक है पोटैटो इज ऑल्सो अ स्टेम रूट वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती है कैरेट जो अंदर उगता है ना जो रूट में होता है जो एक्चुअली में जमीन के अंदर होता है कैरेट गाजर टर्निप रेडिश एंड स्वीट पोटैटो ये होते हैं आपके रूट वाले वेजिटेबल्स ठीक है कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को पोटैटो को भी रूट वेजिटेबल बोल देते हैं जिंजर को भी रूट वेजिटेबल बोल देते हैं जिंजर और पटेटो होती हैं आपकी स्टेम्स स्वीट पटेटो आपका रूट होता है ठीक है ये कंफ्यूजन एकदम से क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में बचपन वाली चीजें हैं जो मुझे आज आपको यहां पढ़ानी पड़ रही है लेकिन देख लीजिए बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है इंग्लिश में क्वेश्चन होगा या हिंदी में जो आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखी होगी उस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होगा अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है कि आप इंग्लिश से आंसर करोगे सारे सवाल तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा एंड हिंदी में करोगे तो हिंदी में मिलता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में ऑलरेडी बता दे रही हूं ठीक है चलिए लिजर्ड इज रिलेटेड टू रेपाइल्स इन द सेम वे टोड इज रिलेटेड टू वॉट लिजर्ड इज रिलेटेड टू reptiles इन द सेम वे टोड इज रिलेटेड टू वॉट चलो जल्दी जल्दी बताओ सिंपल सी बात है लिजर्ड क्या है एक क्या है reptiles जो स्पीशीज है उसका एक एनिमल या फिर एक आप कह सकते हो reptiles एक तरीके का रेप्टाइल है lizard ठीक है छिपकली एक तरीके का सरीसृप जिसको हिंदी में आप बोलते हो टोड की बात हुई है टोड क्या होता है एक तरीके का टोड को हम मेंढक बोलते हैं फ्रॉग भी बोलते हैं एंड मेंढक भी बोलते हैं ठीक है ठीके? मतलब मेंढक को हम फ्रॉग एंड टोड दोनों बोलते हैं तो अगर बात होती है फ्रॉग की या टोड की तो क्या होता है वो एम्फीबियन होता है ना ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी सॉरी एम्फीबियन होता है ना ऑप्शन नंबर डी एम्फीबियन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी एम्फीबियन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिलोंग टू टू रेप्टाइल फैमिली एम्फीबियन अलग कुछ और रेप्टाइल्स हैं आपके रेपटाइल तो है ही स्नेक स्नेक्रोकोडाइल एंड डायनासोर इवन होते हैं अदर एम्फीबियंस फ्रॉग्स एंड ये आपका सैलमेंडर्स ठीक है ये होते हैं आपके कुछ और एम्फीबियंस जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट अगर रिलेटेड है एसेंशियल से तो इसी तरीके से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है हाय राम जीवन तिवारी जी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाइए ये एक ऐसा टॉपिक है पूरे की पूरी रीजनिंग में जिसको कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है बेसिक चीज है इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंपॉर्टेंट और एसेंशियल का एक ही मतलब होता है मतलब दोनों सिनेम है आपको आंसर में भी सिनेम का पेयर ढूंढना है पिक एंड ड्रॉप पिक का मतलब उठाना ड्रॉप का मतलब छोड़ना एंटेनिम्स हो गए ऑपोजिट हो गया ये नेवर एंड ऑलवेज ये भी ऑपोजिट हो गया ऑफुल एंड हॉरिबल दोनों का मतलब होता है बेहद खराब ऑफुल एंड हॉरिबल दोनों का मतलब होता है बेहद खराब तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा पेयर इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से जवाब दीजिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पीडीएफ से आपको मिल जाएगी ठीक है चलिए पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ जरूर लीजिएगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैन इज रिलेटेड टू क्राउड स्टूडेंट इज रिलेटेड टू वॉट मैन इज रिलेटेड टू क्राउड अगर कोई आदमी है ठीक है क्राउड में कब कहा जाता है क्राउड का मतलब क्या होता है भीड़ ठीक एक बंदा है वो हो गया मैन पचास बंदे खड़े हैं क्या हो गया भीड़ क्या हो गया अगर एक आदमी बहुत सारे नंबर्स में खड़ा है तो उसको हम भीड़ कहते हैं उसी तरीके से एक स्टूडेंट को स्टूडेंट कहेंगे पचास स्टूडेंट्स हैं तो पचास स्टूडेंट्स का जो क्लस्टर होता है पचास स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है जो क्राउड होता है जो क्लस्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं क्लास ठीक क्लास में एक स्टूडेंट नहीं होता बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिस तरीके से भीड़ में एक आदमी नहीं बहुत सारे आदमी होते हैं ऑप्शन नंबर ए क्लास विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्लास विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं पेपर पेन पेपर पेन उस तरीके से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है सेम लॉजिक के साथ बताइए कौन सा ऑप्शन है, है, है आपका कागज पे आपने पेन से लिखा ठीक तो क्या है पहले वाला है वो चीज जिस पे हम दूसरे वाले से लिखते हैं ठीक ब्लैक बोर्ड होती है वो चीज जिस पे हम चौक से लिखते हैं मिल गया ना आपको सेम लॉजिक सेम लॉजिक मिल गया तो ऑप्शन नंबर ए हो गया ना सही आंसर सेम लॉजिक मिल गया तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यस ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से जवाब दीजिए हनी रिलेटेड है बी से तो एग किससे रिलेटेड है हनी रिलेटेड है अगर बी से तो एग किससे से रिलेटेड है जल्दी से बताइए क्विकली हनी रिलेटेड है बी से तो एग किससे से रिलेटेड है चलो जल्दी जल्दी बता दो हनी क्या होता है जो शहद होता है वो बीज आप कह सकते हो ना दे आ, ले हनी करती है जाती हैं, यह होता है आपका फूल वहां से शहद लेती हैं है को, को शहद मिलता है अल्टीमेटली अब आप जाके फूल से शहद नहीं निकालोगे ठीक है वो बीस का काम होता है उसी तरीके से जो एग होता है एग हमको कहां से मिलता है हमको कहां से मिलता है योग तो उसके अंदर का पार्ट होता है लार्वा तो उसका यंग वन होता है पहले लावा होता है अगर बटरफ्लाई की बात करें फिर उसका होता है ना, होती है हमें जो अंडा देती है एक्चुअली में तो ऑप्शन नंबर डी एग हो गया ना सही जवाब ऑप्शन नंबर डी एग हो गया सही जवाब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ऊलॉजी अगर किसी को नहीं पता इट्स स्टडी ऑफ बर्ड स्टडी और कलेक्टिंग ऑफ बर्ड्स ठीक है बर्ड्स एग्स बेसिकली चिड़िया नहीं चिड़िया के अंडे कलेक्ट करने को कहते हैं मुंबई कैपिटल देन बताइए मुंबई रिलेटेड है, capital, then, related है capital से, तो बाकी ऑप्शन किससे रिलेटेड है सी एच एस एल दो हजार उन्नीस सी एच एस एल दो हजार उन्नीस का सवाल है जल्दी से बताइए ए बी सी डी क्या होगा सही आंसर मुंबई अगर एक कैपिटल है किसकी कैपिटल है मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है ना तो क्या हमने देखा मुंबई कैपिटल है हिल और हाई कोई लॉजिक ही नहीं न्यूयॉर्क और चाइना एक तीरताल एक मीरताल कोई लॉजिक नहीं दिल्ली और ताजमहल कोई लॉजिक नहीं येन एंड करेंसी बिल्कुल लॉजिक है येन एक तरीके की करेंसी है जिस तरीके से मुंबई एक तरीके का कैपिटल है ठीक है क्लियर हो गया तो ऑप्शन नंबर डी येन एंड करेंसी हो गया अब सबसे बड़ी बात येन किसकी करेंसी है किसकी करेंसी है येन जल्दी से बताइए मैं आंसर के सामने खड़ी हूँ इसीलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए किसकी करेंसी है अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो देख ले येन आपके जापान की करेंसी है येन करेंसी है है जापान की ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए और एकदम फटाफट जवाब दीजिए मशीन इज रिलेटेड टू ऑपरेटर इन द सेम वे कार इज रिलेटेड टू वॉट मशीन रिलेटेड है ऑपरेटर से तो कार किससे रिलेटेड है चाइना की करेंसी येन वाह वाह बेटे मतलब ऐसा आपने ऐसा आंसर दिया है आपने ना कि बिल्कुल मजा आ गई चाइना की करेंसी येन चाइ जापान ओके मैक्सिमम ऑफ यू गाइज आर सेइंग जापान चाइना की करेंसी येन बता रहे थे जो लोग उनको मैं बता दूं चाइना की करेंसी येन नहीं होती है युआन होती है ठीक है कैसे आप याद रख सकते हो वुहान था ना वुहान जहां से कोविड आया था कहा था चाइना में था ना वुहान एंड युआन कहीं ना कहीं आपका राइम कर रहा है तो प्लीज याद रखिए चाइना की युआन और जापान की येन ठीक चलो आ जाए फिलहाल इस क्वेश्चन पे मशीन इज रिलेटेड टू ऑपरेटर मशीन ऑपरेटर से रिलेटेड है तो आपका कार किससे रिलेटेड है मशीन ऑपरेटर ऑपरेटर कौन होता है ऑपरेटर वो बंदा होता है ऑपरेटर वो इंसान होता है वो पर्सन होता है जो कि मशीन को ऑपरेट करता है मतलब मशीन को चलाता है ठीक है मशीन का काम कौन करेगा मशीन तो अपना काम करेगी लेकिन वो ऑटोमेटिकली थोड़ी ना चल जाएगी कोई चलाएगा ना कोई समझेगा उस मशीन को तभी तो चलाएगा कौन करता है वो वो ऑपरेटर करता है ठीक है उसी तरीके से कार कौन चलाता है ड्राइवर चलाता है ना ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर चलाता है कार तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए यस ऑपरेटर रन्स द मशीन चलाता है उस तरीके से ड्राइवर ड्राइव्स द कार ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आगे की जो इंफॉर्मेशन है बहुत जरूरी है इसीलिए पढ़ना जरूर है पीडीएफ से ऐसा नहीं है कि एकदम ही इग्नोर कर दिया आपने ट्रिम हेयर बताओ ट्रिम हेयर तो बाकी के ऑप्शन का आंसर बताओ सी एच एस दो हजार उन्नीस का सवाल है बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ट्रिम हेयर देन सेम तरीके से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है जल्दी जल्दी बताइए ट्रिम का मतलब क्या होता है आपने देखा कि आपके बाल बड़े हो गए तो आपने क्या किया आप गए आप नाई के पास आपने बोला कि भैया हमें बहुत ज्यादा बाल अपने नहीं कटाने तो आप एक काम करो मेरे बाल थोड़े थोड़े काट दो थोड़े थोड़े काटने के प्रोसीजर को जो छाटने वाला प्रोसीजर होता है जो छोटा छोटा काटने वाला प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं ट्रिम करना ठीक है या फिर कोई वीडियो भी अगर आप देखते हो तो उसको भी ना कहते हैं ट्रिम कर दो मतलब उसको कट कर दो थोड़ा थोड़ा करके कट कर दो तो थोड़ा थोड़ा करके काटने को कहते हैं ट्रिम उसी तरीके से डॉग एंड स्टैग तो एकदम ही गलत हो गया आई और रेड भी ऑप्शन हट गया आता है आपका प्रून एंड श्रब ठीक है जो झाड़ होते हैं जब हम उसको उसकी छटाई करते हैं जब हम उसको एकदम एक लेवल में लाते हैं तो उसको उस प्रोसीजर को जो होता है उसको हम कहते हैं प्रून दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए सीमेंट बिल्डिंग तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है सीमेंट बिल्डिंग तो कौन सा ऑप्शन इससे रिलेटेड है जल्दी से बताइए सीमेंट का काम क्या होता है बिल्डिंग बनाना ठीक सीमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है इट इज अ रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग ठीक ट का यूज किया जाता है इमारतें बनाने के लिए उसी तरीके से वायर का इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन नहीं है वुड का यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए जिस तरीके से सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वुड एंड फर्नीचर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी वुड एंड फर्नीचर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से जवाब दीजिए रेटिना इज रिलेटेड टू आई इन द सेम वे हाइड्रोजन इज रिलेटेड टू वॉट हाइड्रोजन इज रिलेटेड टू वॉट जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन पता है क्यों अच्छा लगता है मुझे ये वाले क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस इतने बकवास होते हैं सी एच एस एल दो हजार उन्नीस का सवाल है अब देखो कितने बकवास ऑप्शन रेटिना सबको पता है पार्ट होता है आंख का आपकी आईज का पार्ट होता है रेटिना हाइड्रोजन आयोडीन सीरियसली आंख और मतलब पैर कोई लॉजिक नहीं क्यों नहीं सर सरपैर ही नहीं है बात का बस ऑप्शंस का कोई पैर ही नहीं है अगर आपको नहीं भी पता होगा आंसर तो भी आप मार्क कर दोगे हाइड्रोजन वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2O होता है ना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ वाटर सो ऑप्शन नंबर ए वाटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये तो हो गया हमारा लॉजिक जो कि हमें पता है अगर हमें नहीं पता है तो भी हमें पता है यार आयोडीन क्या होता है नमक नमक में आयोडीन पाया जाता है हाइड्रोजन से कोई रिलेशन नहीं कोई भी रिलेशन नहीं ईयर और लेग का तो एकदम ही भैया हटा दो बिना ही सिर पैर हो गया तो चलिए ये भी आपका हट गया ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रेटिना इज अ पार्ट ऑफ एन आई इज द कॉम्पोनेट ऑफ एन आई एक्चुअली इट इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई एंड हाइड्रोजन तो पता ही है भैया इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ वॉटर एच टू ओ ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑस्ट्रिच एंड ईगल ऑस्ट्रिच एंड ईगल आप बताइए जल्दी से बताइए ऑस्ट्रिच एंड ईगल ऑस्ट्रिच क्या है एक फ्लाइटलेस बर्ड है उड़ नहीं सकती है लेकिन चिड़िया है बाज क्या है वो भी एक चिड़िया है इट इज टाइप ऑफ बर्ड बर्ड हमने क्या देखा? Ostrich and eagle दोनों क्या देखा ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच एंड एंड ईगल ईगल दोनों दोनों हो हो गए गए उसी तरीके से आपको अपना ऑप्शन ढूंढना है काउ एंड एलिफेंट दोनों ही ना एनिमल्स हैं काउ और एलिफेंट दोनों ही एनिमल्स हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया ना बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं थी फिर भी देख लीजिए स्वान एंड लायन स्वान मतलब हंस और लायन तो शेर एक एनिमल एक वाटर एनिमल वेल और काइट एक उड़ता है एक पानी में रहता हैन एंड गोट आपका हैन हो गया आपका एक टाइप का बर्ड और गोट हो गया आपका एक टाइप का एनिमल तो इसीलिए यह भी आपका ऑप्शन से हट गया ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब वेल एंड काइट अच्छा वेल एंड काइट बोल रहे हैं कुछ लोग सी गलत है भैया सी कहां से आपका सही आंसर हो जाएगा से आंसर हो जाएगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चन देखिए अगेन सी एच एस एल क्यूब इन है सेम वे बॉल इज रिलेटेड टू वॉट ये तो हमारी रीजनिंग का क्वेश्चन है यार डाइस क्यूब पढ़े हुए टॉपिक्स है ना सब डाइस क्यूब्स पढ़े हुए टॉपिक्स है ना सब चलिए बारी आती है अगर डाइस और क्यूब की तो आपको पता है डाइस हो डाइ क्यूब क्या होता है हमारा क्यूब क्या होता है थ्री डी फिगर होता है ना एक थ्री डी फिगर होता है डाइस का ठीक एक तरीके का थ्री डी फिगर है डाइस भी आपका स्क्वायर से रिलेटेड एक फिगर है क्यूब भी आपका स्क्र से रिलेटेड एक फिगर है बात आती है बॉल की बॉल क्या होता है सर्कल होता है सर्कल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गिविन है सर्कल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गिविन है था ना शेप ऑफ बॉल इज जिस तरीके से डाइस का शेप हमारा क्यूब होता है डाइस जब आप बनाते हो तो ऐसे बनाते हो ऐसे डाइस थोड़ी तो ना बनाते हो ऐसे डाइस थोड़ी ना बनाते हो डाइस आप ऐसे बनाते हो ना ऐसे करके बनाते हो डाइस थ्री फिगर है ना आपका डाइस थ्री फिगर है Uh, जो क्यूब का शेप है जो डाइस का शेप है एक्चुअली वो क्यूब होता है जो कि एक थ्री फिगर है उसी तरीके से बॉल का शेप क्या होता है Sphere, ये आपकी बॉल बॉल थोड़ी ना है ball तो आपकी आपकी ऐसे ऐसे करके अगर बनाओगे तब जाके आपकी एक बॉल होती है तो वो एक थ्री फिगर है किसका स्वीयर के शेप का ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और जल्दी से देखते हैं इसका जवाब फाइव पेंटागन तो बाकी के ऑप्शन देख के बताइए कमॉन फाइव एंड पेंटागन तो बाकी के ऑप्शन देख के बताइए क्विकली कमॉन फाइव फोर थ्री टू वन एंड जीरो पांच लाइंस के फिगर को हम क्या कहते हैं पेंटागन कहते हैं फाइव लाइंस के फिगर को हम पेंटागन कहते हैं तो अब आप देख लो ऑप्शन अपने हिसाब से देख लो यार सिंपल सी बात है चार लाइन के फिगर को रेक्टेंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं कहते हैं कि नहीं कहते हैं बताइए का हो जाता है ट्राइंगल चार लाइन का स्क्वायर या रेक्टेंगल पांच लाइन का छह का का सेप्टागन का हेक्सागन सात एंड एट ऑक्टागन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर आपका नोना गन एंड डेका गन होता है आई गेस ठीक है चलो कलर रेड प्रोफेशन वॉट कलर रेड प्रोफेशन वॉट जल्दी से बताइए पांच पांच के सवाल है. MTS का कलर है, है तो आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना था प्रोफेशन आपको एक प्रोफेशन ढूंढना था लॉयर एक प्रोफेशन है ना लॉयर एक प्रोफेशन है वकील ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है क्लास स्टार्ट होती है आपकी एग्जैक्टली exactly सुबह साढ़े दस बजे एग्जैक्टली exactly सुबह साढ़े दस बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है ठीक है, salary, job, salary, job, सी बात है भाई जॉब करोगे तो सैलरी मिलेगी लेकिन प्रॉफिट आपको क्या करने से मिलता है प्रॉफिट क्या करने से मिलता है जल्दी से बताइए आपने क्या कहा हमने एक बिजनेस डाला उससे हमको इस साल दस हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा फिगर बोल दिया एक हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ या फिर एक करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। एक करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ ठीक है बिजनेस से प्रॉफिट होता है जिस तरीके से जॉब से सैलरी मिलती है ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट होता है लॉस भी होता है अगर यहां पे आपका लॉस गिवन होता ना तो भी आपका बिजनेस ही सही जवाब होता

ऑप्शन नंबर बी हो गया ना सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं चैप्टर्स बुक हैंडल वॉट चैप्टर्स बुक हैंडल वॉट बताइए आंसर दीजिए इसका एम टी एस दो हजार उन्नीस फिर से फिर से एम टी एस दो हजार उन्नीस का सवाल है जल्दी जल्दी बताइए चैप्टर्स होते हैं किसमें? आपने एक किताब खरीदी बचपन में जब खरीदते थे हम किताब अपनी standard में उसमें दस बारह चैप्टर्स होते थे ठीक है क्या होता है चैप्टर्स आपके होते हैं बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं एक बुक में या फिर चैप्टर्स का चैप्टर्स बेसिकली पार्ट होते हैं बुक का ठीक है पार्ट ऑफ बुक हैंडल जो होता है वो किस चीज का पार्ट है ब्रेक का पार्ट तो है नहीं ब्रेक खुद एक पार्ट है साइकिल का पार्ट है ना साइकिल चलाई होगी जिसमें आपका पैडल भी एक पार्ट होता है ब्रेक भी एक पार्ट होता है और हैंडल भी एक पार्ट होता है तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी साइकिल इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी साइकिल इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑफिस क्लर्क साइट वॉट ऑफिस क्लर्क साइट वॉट बताइए ऑफिस क्लर्क साइट इज टू वॉट ऑफिस में क्लर्क पाए जाते हैं ना पाए जाते हैं कि नहीं ऑफिस में क्लर्क तो साइट पे क्या पाए जाते हैं साइट मतलब आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर्स है ना साइट पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा कंस्ट्रक्शन कौन करते हैं सिविल इंजीनियर्स करते हैं तो साइट पे इंजीनियर्स पाए जाएंगे ना ऑफिस में क्लर्क पाए जाते हैं साइट पे इंजीनियर्स पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर्स हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखा जाए शॉप में शॉपकीपर और स्कूल में टीचर बाकी के ऑप्शन का वर्किंग प्लेस है बेसिकली ये हमारे वर्कर्स की ठीक है वर्किंग प्लेस है कुछ कुछ लोगों की चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सेप्टागन फिगर मेल एंड व्हाट? सेप्टागन फिगर मेल व्हाट? जल्दी से बताइए फीस कितनी है फीस बिल्कुल भी नहीं है विपिन जी यहाँ पे जो आपकी क्लासेस हो रही है, है तो आपको बस एक काम करना है कि आपको डेली बेसिस पे सुबह साढ़े दस बजे क्लास अटेंड करने आ जाना है एकदम टाइमली डेली बेसिस पे सुबह साढ़े दस बजे क्लास अटेंड करने आ जाना है और यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनको मैं बता दू की आज से शाम में पांच बजे स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या एस बी आई क्लर्क का बैच एस बी आई क्लर्क का बैच स्टार्ट हो रहा है आज शाम में पांच बजे से जिसमें आप देखेंगे बहुत बेहतरीन टॉपिक तो जरूर अटेंड करिएगा आज शाम में पांच बजे अगर आप एस बी आई क्लर्क टारगेट कर रहे हो तो और आई कि टारगेट कर लो क्योंकि एस एस सी में तो टाइम लग जाता है यार इसीलिए SBI क्लर्क टारगेट कर रहे हो तो जरूर अटेंड करिएगा क्लास चलिए सेप्टागन क्या है एक तरीके का फिगर है मेल क्या है एक तरीके का जेंडर है ना मेल एक तरीके का जेंडर है जिस तरीके से आ, एक तरीके का फिगर है पीडीएफ मिलेगा ये जो भी क्लास हो रही है इससे इसके सारे नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है माय स्टडी लैब जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्वप्निल एजीआर उसपे भी आपको इस इस जो सेशन है उससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से जवाब दीजिए गैराज मैकेनिक गैराज मैकेनिक उस तरीके से बाकी का ऑप्शन देख के बताइए गैराज डी जल्दी से बताइए गैराज क्या है गैराज वो जगह है जहां पे मैकेनिक काम करता है गैराज इज दर्क प्लेस ऑफ मैकेनिक ठीक है लेबर इज नॉट द वर्क प्लेस ऑफ फैक्ट्री हाँ ये कह सकते हैं फैक्ट्री में लेबर काम करता है लेकिन यहां देखो यहां ऐसे एरो है यहां एरो ऐसे है हॉस्पिटल वर्क प्लेस है क्या डॉक्टर्स की हॉस्पिटल वर्क प्लेस है ना डॉक्टर्स की पहले दिया हुआ है वर्क प्लेस बाद में दिया हुआ है वर्कर तो यहां पे पहले वर्कर दिया था यहां पहले वर्क प्लेस बाद में वर्कर एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीटर वॉल्यूम हेक्टेयर वॉट लीटर वॉल्यूम हेक्टेयर वॉट लीटर क्या है वॉल्यूम को मेजर करने की यूनिट है कि नहीं बताइए लीटर क्या है है यूनिट ना मेजर करने की वॉल्यूम को तो हेक्टेयर में हम क्या नापते हैं हेक्टेयर में हम क्या नापते हैं एरिया नापते हैं ना एरिया नापते हैं हेक्टेयर में तो ऑप्शन नंबर ए एरिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए एरिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर हो गया चलिए टाइम की अगर बात करें तो टाइम की यार यूनिट तो यार आप देख सकते हो यूनिट टाइम की आपकी आर्स होती है फिर आता है मास जिसकी किलोग्राम फोर्स की न्यूटन एरिया की हेक्टेयर एंड वॉल्यूम की लीटर्स

आपका ग्लास भी आएगा कप भी आएगा तो कप क्या है इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉकरी गारमेंट मतलब वस्त्र मतलब कपड़ा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में गारमेंट दिया है रैट गारमेंट तो होता नहीं मैंने तो कभी नहीं पहना चूहा शॉपकीपर शॉप नहीं ऑप्शन नंबर डी ट्राउजर ठीक है ऑप्शन नंबर डी ट्राउजर क्या है एक तरीके का गारमेंट है तो ऑप्शन नंबर डी गार्मेंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी गार्मेंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए सीजन विंटर फिगर वॉट सीजन विंटर फिगर वॉट अगेन फाइव सेकेंड क्वेश्चन एम टी एस दो हजार उन्नीस पांच सेकेंड का सवाल है कम फाइव फोर थ्री टू एंड टाइम्स अप विंटर क्या है एक तरीके का सीजन है ठीक है समर विंटर ऑटम स्प्रिंग बचपन में सबने पढ़ा था मैंने तो खाली दो ही देखे ठीक बस लखनऊ में या तो गर्मी होती है या तो जाड़ा होता है कभी कभी बरसात भी हो जाती है दो महीने जुलाई एंड से जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर में तो वही मैंने कभी ऑटम सीजन या स्प्रिंग सीजन ऐसा तो मुझे, मुझे लगता है शायद बाहर ही होते होंगे कहीं सच तो इतने सीजन देखे ही नहीं मैंने कभी जिंदगी में ऑटम विंटर स्प्रिंग या तो हो सकता है फिर क्लासीफाई ना कर पाई हूं मैं फिलहाल विंटर क्या होता है एक तरीके का सीजन होता है फिगर एक तरीके का आपको ढूंढना है ऑप्शन में डायगनल फिगर तो होता नहीं है एंगल भी फिगर नहीं होता है ट्राइंगल एक तरीके का फिगर होता है ना तीन लाइंस का फिगर होता है ट्राइंगल तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ट्राइंगल इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ट्राइंगल इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आ जाते हैं कोल्ड रेफ्रिजरेटर हॉट वॉट कोल्ड रेफ्रिजरेटर हॉट वॉट चीजों को अगर हमें ठंडा रखना है तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं भैया इसको ले जाके फ्रिज में रख दो गरम गरम दूध है हमने सोचा हम ठंडा दूध पसंद है हमने कहा ले जाके इसको फ्रिज में रख दो तो क्या करते हैं ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसी तरीके से चीजों को गर्म करने के लिए हम कहा रखते हैं अवन में रखते हैं ना ऑप्शन नंबर सी एवन में रखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी अवन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैंडल इज रिलेटेड टू विक इन द सेम वे पेन इज रिलेटेड टू वॉट कैंडल इज रिलेटेड टू विक इन द सेम वे पेन इज रिलेटेड टू वॉट जल्दी से बताइए कैंडल विक पेन वॉट देखो अगर कोई भी आपकी मोमबत्ती है विक क्या होता है ये होती है आपकी मोमबत्ती और ये होती है जो ऊपर एक वो नहीं निकला होता है एक धागा टाइप का होता है जिसको आप जलाते हो तो कैंडल एकदम से ऐसे रोशनी देने लगती है ठीक है तो बेसिकली विक क्या होता है विक वो पार्ट होता है कैंडल का जिसको जब यूज किया जाता है यूज किया मतलब जब जिसको जलाया जाता है तो कैंडल का जो एक्चुअल काम होता है लाइट देना वो देने लगता है ठीक है उसी तरीके से पेन का एक्चुअल काम क्या होता है लिखना लिखेगा कब जब उसका जो मेन पार्ट होता है जो मेन पार्ट होता है मेन पार्ट क्या होता है पेन का निब होता है ना अगर निब टूटी है तो पेन काम नहीं करेगा ठीक है निब टूटी है तो पेन काम नहीं करेगा बचपन में एक पेन आता था पायलट पेन बहुत अच्छा पेन था बहुत प्यारी राइटिंग बनती थी उससे सबसे खराब बात उस पेन की यह थी कि उसकी निब बहुत जल्दी टूट जाती थी बहुत फ्रेजाइल निब होती थी तो निब अगर टूट गई तो पेन आपका काम नहीं करेगा तो वही बात है निब क्या हो गया निब एक ऐसा पार्ट हो गया आपके पेन का जो अगर खराब हो जाए तो काम नहीं करेगा पेन उसी तरीके से अगर विक खराब हो जाए तो कैंडल काम नहीं करेगी ना नहीं करेगी तो एसेंशियल पार्ट हो गया एसेंशियल पार्ट क्या हो गया पेन का निब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द वर्ड फर्नीचर इज रिलेटेड टू कार्पेंटर इन द सेम वे क्लोथ इज रिलेटेड टू वॉट फर्नीचर और कार्पेंटर बताइए क्लोथ्स वॉट पानी पी लें यार बहुत बोल रहे हैं जल्दी बताइए देखिए फर्नीचर क्या होता है कारपेंटर जो की बढ़ाई होता है वो फर्नीचर बनाता है ना कारपेंटर फर्नीचर बनाता है तो कपड़े कौन बनाता है टेलर बनाता है ना बुचर कसाई तो बनाता नहीं कपड़े मोची भी नहीं बनाता है टेलर बनाता है दर्जी सिल के देता है ना कपड़े और ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार वो तो या लोहे से रिलेटेड काम करता है तो कपड़ों का काम कौन करता है टेलर तो ऑप्शन नंबर सी टेलर हो जाएगा आपका सही आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी टेलर हो जाएगा सही आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए पॉइजनस फ्रॉग एम्फीबियन अब बताइए इसका सही आंसर सही आंसर बताइए पॉइजनस फ्रॉग एम्फीबियन बताइए बताइए सही आंसर चलिए पॉइजनस फ्रॉग अभी हमने देखा चाहे पॉइजनस हो चाहे नॉन पॉइजनस हो फ्रॉग आपका एम्फीबियन कैटेगरी को बिलोंग करता है एम्फीबियन फैमिली को बिलोंग करता है फ्रॉग आपका उसी तरीके से आपका आपका जो टोटॉइज होता है वो रेप्टाइल फैमिली को बिलोंग करता है टोटॉइज आपका रेप्टाइल फैमिली को बिलोंग करता है ना तो ऑप्शन नंबर डी टोटॉइज रेप्टाइल हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टोटॉइज हो गया सही आंसर ठीक है टोटॉइज एक तरीके का रेप्टाइल होता है स्क्विरल एक तरीके का मैमल होता है स्क्रिल जो आपकी गिलहरी होती है वो मैमिल होती है एक तरीके की ठीक है स्कूरल इज अमिल और अदर रेप्ट्रोकोडाइल स्नेकोसोर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से चलते हैं और जवाब देते हैं इस सवाल का ग्रीडी इज रिलेटेड टू जेनरस इन द सेम वे विंडिक्टिव इज रिलेटेड टू लालची रिलेटेड है उदार से लालची और उदार क्या है Opposites है ना एक उदार व्यक्ति कभी लालच नहीं करेगा और एक लालची व्यक्ति कभी उदारता नहीं करेगा वो जेनरॉसिटी नहीं कर सकता है तो दोनों क्या हो गए हो गए ठीक है Greedy and generous are opposites, उसी तरीके से विंडिक्टिव अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है विंडिक्टिव की तो फिलहाल तो यहां से आप हिंदी में देख सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत तो वो कैब आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ठीक है थोड़ा बहुत तो वो कैब आनी चाहिए पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे हैं ना वो कैब थोड़ी बहुत तो पढ़ ही रहे होंगे देखिए विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग प्रीफिक्स एंड सफिक्स पढ़ते हैं इंग्लिश में तो वेंज एक वर्ड पढ़ते हैं रिवेंज ठीक अवेंज ऐसे करके पढ़ते हैं ना वर्ड्स पढ़ते हैं दो वर्ड्स पढ़ते हैं जो व्यक्ति रिवेंजफुल होता है एक सेकेंड रुकिए जो व्यक्ति रिवेंजफुल होता है उसे हम कहते हैं विंडिक्टिव ठीक रिवेंजफुल व्यक्ति को विंडिक्टिव कहते हैं तो रिवेंजफुल का ऑपोजिट क्या होगा मर्सीफुल होगा ना होगा ना ऑपोजिट मर्सीफुल ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए मर्सीफुल होगा ना जो इंसान बिल्कुल भी दया ना करे एकदम कर नहीं हमें तो बदला लेके ही रहना इसे कैसे तुम हमारे संग कर दिया भैया हम तो बदला लेके रहेंगे वो हो गया विंडिक्टिव और जो कहे अरे छोड़ो यार जो हुआ होने दो आगे से प्लीज ऐसा मत करना जो मर्सी दे जो दया करे जो कृपा करे वो मर्सीफुल और ये दोनों हो गए एक दूसरे के ऑपोजिट इसीलिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज मर्सीफुल इज दी ऑफ टिव ठीक है अब बारी का बात आ करते हैं अगर हम बाकी के ऑप्शंस की तो आप देख सकते हैं बाकी के ऑप्शंस के जो हैं जो उनका मीनिंग है वो देख सकते हैं ठीक है थीके? पहला है आपका एनिमिकल टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म फिर आता है विंडेक्टिव जैसे कि मैंने आपको बताया रिवेंजफुल जो बदला लेना चाहता हो मर्सीफुल जो कि बहुत ज्यादा कृपा करे कृपा दृष्टि बनाए रखे दया करे कृपालु दयालु वो हो गया आपका मर्सीफुल एंड अपेथेटिक मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जियो मरो तुम्हें जो करना है करो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है तुम खुश हो बहुत अच्छी बात है तुम दुखी हो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता वो होता है आपका अपैथी ठीक है अपैथी मतलब जहां पे आप कोई भी फीलिंग्स किसी के लिए नहीं शो करते हो कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको दुनियादारी में ठीक है दैट इज अपैथी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हील स्पोक तो उसी तरीके से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है किसी चीज से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है एक दूसरे से जल्दी से बताइए व्हील स्पोक ऑप्शन बताइए कौन सा रिलेटेड है व्हील स्पोक क्या स्पोक स्पोक होता है पार्ट होता है व्हील का जो चक्रा होता है आपका जो आपका व्हील होता है जो आपका पहिया होता है जो स्पोक क्या होते हैं ये होते हैं ना स्पोक जो इसकी डंडियां लगी होती है क्या हो गया पार्ट हो गया ना व्हील का टेबल का पार्ट तो है नहीं चेयर रूम क्या है रूम हाउस का पार्ट है ना रूम हाउस का पार्ट है तो ऑप्शन नंबर बी हाउस एंड रूम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हाउस रूम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है ऑप्शन नंबर बी हाउस रूम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एकदम सही जवाब ठीक है पार्ट एंड होल फॉर्म गिवन है स्पोक इज अ पार्ट ऑफ व्हील रूम इज अ पार्ट ऑफ हाउस टेबल इज अ टाइप ऑफ फर्नीचर फिर आप कह सकते हो पार्ट ऑफ फर्नीचर एंड स्टार एंड गैलेक्सी अच्छा कुछ लोग स्टार एंड गैलेक्सी बोल रहे थे ओके okay. देखो जो लोग भी स्टार और गैलेक्सी बोल रहे थे एक चीज बस ध्यान दे दें कि सेकेंड वाला वर्ड पार्ट है फर्स्ट वाले वर्ड का ठीक है गैलेक्सी पार्ट नहीं है स्टार का सेकेंड वर्ड पार्ट है फर्स्ट वाले का क्वेश्चन में तो रूम पार्ट है हाउस का ठीक है गैलेक्सी पार्ट नहीं है स्टार का अगर यहां पे गैलेक्सी पहले दिया होता बाद में स्टार दिया होता तब हमारा गैलेक्सी एंड स्टार सही हो सकता था तब हमारा गैलेक्सी एंड स्टार सही हो सकता था लेकिन अभी नहीं सही हो है ठीक है अभी सही नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से जवाब दीजिए अगला क्वेश्चन देखिए लोटस फ्लार लोटस फ्लार तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन है CAPF 2019 का सवाल है SSC CAPF 2019 का सवाल है ठीक है मैम आज कितना कराओगे यार जब तक क्लास चल रही तब तक करते हैं कोई दिक्कत बताइए लोटस क्या है एक तरीके का फ्लावर है है ना लोटस एक तरीके का फ्लावर है तो आप बताइए फर्नीचर एक तरीके का वुड तो है नहीं फर्नीचर वुड से उस तरीके से रिलेटेड है नहीं Real एक तरीके की करेंसी है है ना है कि नहीं एक तरीके की करेंसी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी रियाल एक तरीके की करेंसी है ना तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्नीचर वुड बता रहे हो आंसर फर्नीचर वुड का पार्ट फर्नीचर वुड का टाइप कैसे है अगर यहाँ पे दिया होता शीशम मान लीजिए शीशम दिया होता शीशम क्या है एक तरीके की लकड़ी है और तब वुड दिया होता तो हम कह सकते थे हाँ भैया एक तरीके की लकड़ी है शीशम ठीक तो अब तब आपका होता फर्नीचर तो वुड से बनता है फर्नीचर वुड से बनता है तो ये कैसे सही जवाब आप दे सकते हो रियाल एक तरीके की करेंसी है तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग समझ गए होंगे अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रियाल कहाँ की करेंसी है ये आपको बताना है रियाल कहाँ की करेंसी है ये आपको बताना है बताइए कहां करेंसी है रियाल बताइए स्टैटिक जी के नहीं पढ़ते क्या स्ट्रेटिक जीके पढ़ लो बहुत जरूरी है स्टैटिक जी के रियाल करेंसी है आपकी ईरान की वर्ड एनोलॉगी में भी काम आएगी आपके जीके में भी काम आएगी और अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी स्टैटिक का पोर्शन थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है तो सभी में काम आना है आपका ठीक है चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से बताइए ब्रिक्स हाउस ट्विग्स वॉट ब्रिक्स हाउस ट्विग्स वॉट ब्रिक्स मतलब ईट ईट से घर बनता है बताइए ईट से घर बनता है और ट्विग twig, ट्विग्स मतलब टहनिया जो छोटी, छोटी 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 लकड़ी होती हैं उससे क्या बनता है उससे घोसला बनता है ना घोसला बनता है चिड़िया का जो नेस्ट होता है उससे बनता है घोसला छोटी छोटी लकड़ियों से चिड़िया लेके आती है तो उसके बाद बनाती है अपना घोसला वहां पे अंडे देती है तो ट्विग से बनता है घर जिस तरीके से ट्विग से बनता है आपका घोसला जिस तरीके से ब्रिक्स से बनता है घर ठीक है क्लियर हो गया येस yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आने लगे हैं ईरान चलिए बहुत अच्छी बात है लिंक इज रिलेटेड टू चेन इन द सेम वे बेड इज रिलेटेड बीड इज रिलेटेड टू वॉट लिंक इज रिलेटेड टू चेन इन द सेम वे बीड इज रिलेटेड टू वॉट चेन होती है आपकी ठीक है लिंक क्या है लिंक इज कॉन्स्टिट्यूएंट, एक पार्ट होता है आपका चेन का लिंक के बिना चेन नहीं बन सकती है ये आपकी चेन है ना मान लीजिए आपकी ऐसे ऐसी ऐसी चेन बनी तो ये जो पार्ट होता है ना इसे जो छल्ले टाइप के रहते हैं ना बीच बीच में जो जुड़ा होता है दैट्स लिंक ठीक है लिंक से आपकी चेन बनती है उस तरीके से जो बीड होती है जो बीड होती है उससे क्या बनता है नेकलेस बनता है नेकलेस बनता है ठीक है नेकलेस कहाँ गिवन है ऑप्शन नंबर ए में गिवन है ना तो ऑप्शन नंबर ए नेकलेस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से और आंसर कीजिए क्विकली फटीग रेस्ट देन बाकी के ऑप्शन का आंसर बताइए फटीग रेस्ट फटीग रेस्ट फटीक का मतलब क्या होता है थकान ठीक फटीक का मतलब थकान मतलब आप बोलते हो ना आई एम फीलिंग फटीक टूडे मतलब मुझे बहुत थका हुआ फील हो रहा है आज ठीक है है, है, थकान है, थकावट है क्या बोला जाता है बेटा रेस्ट कर लो तो आपकी थकान चली जाएगी ठीक है रेस्ट करने से क्या होता है फटीकनेस जो थकान होती है आपकी वो चली जाती है उसी तरीके से मतलब क्या दिया है पहला दिया है आपको मर्ज और दूसरी दी है आपको उसकी दवा ठीक ये प्रॉब्लम है ये इसका सोल्यूशन है फूड हंगर का सोल्यूशन है लेकिन सलूशन बाद में दिया है यहां पे सोल्यूशन ही इन्होंने पहले दे दिया पहले प्रॉब्लम है फिर सोल्यूशन है तो पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया फिर से वही चीज पानी भी थर्स का सोलूशन है लेकिन फिर इन्होंने सोल्यूशन पहले दे दिया तो ऑप्शन नंबर बी भी, भी एलिमिनेट फिर आता है डिजीज मतलब बीमारी फिर आती है मेडिसिन बिल्कुल सही बात है यार पहले आप बीमार पड़े ठीक है पहले आपकी प्रॉब्लम है बाद में उसका सोल्यूशन है मेडिसिन तो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन का सही आंसर ना ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लॉक टाइम जल्दी से बताइए क्लॉक टाइम जल्दी जल्दी क्विकली क्लॉक टाइम क्लॉक में क्या करते हैं यार हम घड़ी में वक्त देखते हैं क्या करते हैं घड़ी में वक्त देखते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स अस टाइम ठीक है इंस्ट्रूमेंट है ना जो कि वक्त बताती है उस तरीके से एमीटर क्या है एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए तो एमीटर करंट से रिलेटेड है उसी तरीके से जिस तरीके से क्रॉक क्लॉक रिलेटेड है आपका टाइम से तो ऑप्शन नंबर ए एमीटर एंड करंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए एमीटर एंड करंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है क्लियर हो गया चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे क्लास आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपनी आज की क्लास का एंड मेडिसिन डिजीज फूड वॉट वही चीज है वही चीज पूछी गई है ना अब यहाँ पे देखो CGL 2020 का सवाल है कितना ज्यादा आसान सवाल मैंने क्या देखा अभी हमने देखा कि CAPF 2019 में जो सवाल पूछा गया है उसी से रिलेटेड है ना ये सवाल वहां पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन था उसी से रिलेटेड तो है ये सवाल बस इसीलिए मैंने आप लोगों को किरण की सीरीज कराई है ताकि बाकी के जो एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं ना वो आपके किसी ना किसी तरीके से आगे वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं ठीक है मेडिसिन क्या है इलाज है किसका डिजीज का तो फूड किसका इलाज है खाना कब खाते हो जब भूखे होते हो ना भूखा होना मतलब हंगर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हंगर इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हंगर इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को सभी को अच्छे से क्लियर हो गया मेडिसिन इज टेकन टू क्योर डिजीज एंड फूड इज टेकन टू सैटिएट हंगर अब देखो सबसे जरूरी चीज साढ़े दस बजे डेली आपकी किरण की सीरीज तो होती ही है तो जो भी कोई नया स्टूडेंट है उसको मैं बता दू डेली बेसिस पे सुबह साढ़े दस बजे आपने किरण की सीरीज करने आ जाना है मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के साथ दूसरी बात आती है आज से सारे ही स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो रहा है पांच बजे से क्या बैंक का कंप्लीट बैच बैंक यानी कि एस बी आई क्लर्क दो हजार इक्कीस का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है पांच बजे से आज तो बिल्कुल जुड़ना ना भूले एकदम टाइमली अटेंड करने आ जाए पांच बजे आज से स्टार्ट हो रहा है आज पांच बजे तो मुलाकात करनी ही है बाकी आपकी कल दोबारा से साढ़े दस बजे मुलाकात होगी मेरे यानी स्वप्नल अग्रवाल के संग टेक केयर सी यू गाइज अगेन टू मॉरो ए एम शार्प एग्जैक्टली exactly टाइम पर आ जाइएगा ठीक है पीडीएफ की बात करूं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ये हमारी फर्स्ट क्लास थी वर्ड एनोलॉगी की कल हम वर्ड एनोलॉगी की दूसरी क्लास देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू वाइंड अप एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल इन टुमोरोज वेल अपार्ट फ्रॉम दैट पीडीएफ इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दे रखी है ये सारी ही चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और बहुत क्लासेस हो चुकी हैं हमारी किरण की हम लोगों ने नंबर आने एंड लेटर लॉगी कंप्लीट कर लिया है अब आपको ये सारी क्लासेस कहाँ मिलेंगी तो इसका भी आपको सोल्यूशन है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्ले बनी हुई है ठीक है तो सारी क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएंगी चलो मिलते हैं दोबारा से शाम में पांच बजे डोंट फॉर टू ज्वाइन थैंक यू